हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 36 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे। इन दिस लेसन वी विल लुक फॉरवर्ड टू सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पर्टेनिंग टू एमबीपीएससी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने रिसेंटली अपना एक टेस्ट कंडक्ट किया है। अब आपको ये बताना है कि ये किस इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए टेस्ट किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पृथ्वी। डीआरडीओ ने रिसेंटली टेस्ट कंडक्ट किया है पृथ्वी मिसाइल के लिए। ओके, अब इससे रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे एग्जाम में इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, मीन्स डीआरडीओ इस्टेब्लिश ऑन विच डेट। तो आप ये याद रखिएगा, 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई। और आपसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इससे एसोसिएट होता है वो ये है कि डीआरडीओ के अभी रिसेंटली चेयरमैन चेंज हुए हैं, तो उनका नाम क्या है, मीन्स हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ। तो इसका आंसर है मिस्टर सतीश आर रेड्डी इज द प्रेजेंट चेयरमैन फॉर द डीआरडीओ, याद रखिएगा। और इससे रिगार्डिंग एक और फैक्ट कि ये पृथ्वी मिसाइल कहाँ से टेस्ट की गई। तो ये टेस्ट की गई है ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। अब एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड की बात चली है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि ओडिशा में सिचुएटेड है, इसका पुराना नाम व्हीलर आइलैंड हुआ करता था और यहीं से अग्नि फाइल फाइव मिसाइल जो है यहाँ का प्रक्षेपण किया गया। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वायु का फुल फॉर्म इनमें से क्या है, वायु स्टैंड्स फॉर। तो वायु का फुल फॉर्म होता है विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट। विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट ये जो रिसेंटली एयर पोल्यूशन को कम डाउन करने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा डेवलप किया गया है, मीन्स CSIR के द्वारा ये डेवलप किया गया है। और आप याद रखिएगा, वायु का फुल फॉर्म होता है विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस व्यक्ति ने बार्कले हरून इंडिया की रिच लिस्ट में टॉप किया है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने बार्कले हरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली नेल्सन मंडेला डेकेड डिक्लेयर किया है, डेकेड फॉर पीस के नाम से। तो ये किस टर्म के लिए है। ओके, डेकेड फॉर पीस नाम से किस टर्म को जाना जाएगा। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2019 से 2028 डेकेड ऑफ पीस, मींस नेल्सन मंडेला डेकेड ऑफ पीस के नाम से जाना जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा नेल्सन मंडेला के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, मींस नेल्सन मंडेला से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इंडिया से जुड़ा हुआ है, ये कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला। तो नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न 1990 में दिया गया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 520 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मध्य प्रदेश को लोन दिया। तो ये आप याद रखिए, ओके, जो लोन दिया है किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, तो ये दिया है ब्रिक्स बैंक ने, ऑप्शन नंबर बी ब्रिक्स बैंक। अब ब्रिक्स बैंक की अगर बात की जाए तो इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है, NDB। ओके, और इसके चेयरमैन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो NDB के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो इंडियन है, इनका नाम है मिस्टर KV कामत, याद रखिएगा। NDB जिसको ब्रिक्स बैंक नाम से जाना जाता है, उसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है मिस्टर KV कामत। और इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है शंघाई में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई और नासिक किस पास के थ्रू कनेक्ट होते हैं। मुंबई एंड नासिक कनेक्ट्स वाया विच पास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज थालघाट। मुंबई एंड नासिक कनेक्ट होते हैं थालघाट से। वहीं अगर भोरघाट की बात की जाए तो भोरघाट कनेक्ट करता है मुंबई और पुणे को। ओके, मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है भोरघाट। वहीं अगर पालघाट की बात की जाए तो ये तमिलनाडु और केरला को कनेक्ट करता है। ओके, तमिलनाडु एंड केरला आर कनेक्टेड वाया पालघाट। और वहीं हमारे आंसर की बात की जाए तो मुंबई एंड नासिक आर कनेक्टेड वाया थालघाट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चोल डायनेस्टी के आखिरी रूलर कौन है। चोल डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजेंद्र थ्री। राजेंद्र थ्री वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द चोल डायनेस्टी। वहीं अगर चोल डायनेस्टी के फाउंडर की बात की जाए तो वो है विजयालय। और इन्होंने एक उपाधि मीन्स एक टाइटल अडॉप्ट की जिसका नाम है नरकेसरी, ये भी आप याद रखिएगा। नरकेसरी टाइटल वॉज अडॉप्टेड बाय विजयालय हु वॉज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। मीन वाइल इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट रूलर ऑफ द चोल डायनेस्टी, ही वॉज राजेंद्र द थर्ड। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि
हुमायूं टॉम्ब के मीन्स हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन थे? हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूं टॉम्ब? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मीरक मिर्जा गियाथ। ओके, मीरक मिर्जा गियाथ वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द हुमायूं टॉम्ब। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया ऑन विच डेट? तो ये आप याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। वहीं अगर बात की जाए दूसरी डेट की जो दी गई है 1 सितंबर 1942, तो इस दिन आज़ाद हिंद फौज की गठन हुआ था। आज़ाद हिंद फौज, ओके, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था और ये हुआ था सिंगापुर में। तो 1 सितंबर 1942 आज़ाद हिंद फौज, 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन, और वहीं अगर बात की जाए 23 मार्च 1931 को, तो इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। ये किस केस के लिए दी गई थी? ये दी गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए। वहीं अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो वो है 22 मार्च 1942। तो आप ये डेट याद रखिएगा, इस टाइम क्रिप्स मिशन भारत में आया था। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। वहीं कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो वो है 24 मार्च 1946। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर लिंक्स अपडेट। और अगर आप इस चैनल में पूरी तरीके से नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट में MBBSC मेंस पेपर 2 के सेकंड पार्ट की पूरी प्लेलिस्ट कवर की गई है। साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री MBBSC मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो भी कवर की गई है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। और इसके साथ आप वीकली टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। वीकली टेस्ट सीरीज अभी रिसेंटली चालू की है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक, बाय बाय।